मैं तो अकेला ही चला था मंजिले गालिब, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। आप अगर मिलते नहीं तो मंजिलें मिलती नहीं, तकदीर की तस्वीर बदली आपने, बस आपने। ऐसा हमारा परिवार, नजर बदलोगे तो नजारा बदल जाएगा, दिल बदलोगे तो इरादा बदल जाएगा। किश्ती बदलने की जरूरत नहीं है यारों, दिशा बदलोगे तो किनारा बदल जाएगा। एतद् देश प्रसुतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेण पृथ्वीयां सर्व मानवाः। हम इस देश की बात करते हैं जिस देश की भूमि में ऐसे उत्तम चरित्र निर्माण होता है जो सारे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है, जिस देश में ऋषियों, संतों और समर्पित देश सेवकों के लिए ये देश प्रसिद्ध है। इस देश में जितने भी राज्य हैं, उन सब में भारत माता का शीश मुकुट समान राज्य गुजरात राज्य है। गुजरात की पावन भूमि पर गांधी जी, सरदार पटेल जैसे ख्याति प्राप्त महापुरुषों का जन्म हुआ है। जिस राज्य में परंपराएं एवं देश की भिन्न भिन्न संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोकर रखने की अपूर्व शक्ति और सामर्थ्य है। सारे जहां में गौरव गाथा प्रसिद्ध है गुजरात की, नर्मदा तापी साबरमती गवाही देती है इतिहास की। संत भक्त वीरों से सुशोभित भूमि है इस राज्य की, ऐसी स्वर्णिम धन्य धरा है गांधी के गुजरात की। गुजरात राज्य की पावन धरा और दक्षिण दिशा में निर्मल प्रवाह से बहती सूर्य पुत्री तापी इसकी शोभा में चार चांद लगा देती है। इसी पुण्य सलिला तापी के तट पर बसा हुआ सूर्यपुर, जिसे हम सूरत के नाम से पहचानते हैं, इसकी पहचान सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के रूप में होती है। इसने सूरत की सूरत निखारने का अनुपम कार्य किया है। इसी पुण्य भूमि पर महान साहित्यकार और कवि श्री नर्मद ने जन्म लेकर इसकी गौरव गाथा में एक और अध्याय जोड़ दिया। कवि श्री नर्मद की जन्म भूमि सूरत के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 यानी नेशनल हाईवे नंबर 6 के बगल में अवस्थित विस्तार पर्वत पाटिया और गोड़ादरा के नाम से पहचाना जाता है। गोड़ादरा गांव के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास छिपा हुआ है। महर्षि आस्तिक ऋषि के स्वयंभू प्रागट्य की वजह से अति पवित्र है ये विस्तार। इस विस्तार में परंपरा और संस्कृति के चाहने वाले सौराष्ट्र के लोग, जो समाज सेवा के उद्देश्य से शिक्षण जगत में क्रांति लाने का प्रयत्न करते हैं, लोग सुशिक्षित बने, संस्कारी बने, जागरूक बने, शिक्षण के साथ साथ सदाचारी एवं योगादि क्रिया से कर्मयोगी भी बने, ऐसे सद्गुणों को बढ़ावा देने वाला परिवार हमारे सामने है, वो है ज्ञान ज्योत परिवार। विनम्र बनाने वाली विद्या हमने जहां से पाई है, गुरुजन ने शिक्षा दीक्षा देने की शपथ खाई है। हम तिमिर हटाए स्वज्ञान से, जीवन जिए हम शान से। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर भूमाने सन्नोस्त्व कर्मणि। मूल्य शिक्षण के अभिलाषी संचालक मंडल का बच्चों की ओर जो भावुक और वात्सल्यपूर्ण नजरिया है, वो अत्यंत सराहनीय है।
बच्चों को देखकर जिनके दिल में नित्य नूतन विचार और प्यार का आविष्कार होता है, बालक केवल बालक नहीं लेकिन ईश्वर का अंश है। उसके अंदर निहित ऊर्जा को बाहर निकालना है हमें। पढ़ाई के साथ साथ जीवन की इमारत को भी तैयार करें हम। महान कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने काव्य में लिखा है, मंदिर की भव्यता को छोड़कर अगर बालक धूल में खेलने चला जाए तब ईश्वर भी उनको खेलते देखकर पुजारी को भी भूल जाते हैं। बालक ईश्वर की अनुपम कलाकृति है, उसको हमें निखारना है, उन्हें सजाकर भव्य बनाना है और विश्व के प्रांगण में जीवन के हर मोड़ पर अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकें, ऐसी दैदीप्यमान जिंदगी का निर्माण करना है। लेकिन ऐसी धारणाओं को मूर्त रूप देने वाली कोई संस्था है इस विस्तार में? गोड़ाधरा विस्तार में पर्वत पाटिया से डिंडोली तक शिक्षण के तमाम क्षेत्र में श्रेष्ठता प्रमाणित करके विजय पताका लहराता हुआ ऐसा ज्ञान ज्योत विद्यालय हमारे सामने। अंधकार में दीप जलाया ज्ञान का आपने, तकदीर की तस्वीर बदली आपने, बस आपने। ऐसा हमारा परिवार ज्ञान ज्योत परिवार। यथा नामह तथा गुणाह, जैसा नाम वैसा काम, जिसमें भव्याति भव्य शैक्षणिक भवन, गुजराती और हिंदी माध्यम के शिक्षण कार्य को विविध टेक्नोलॉजी तथा प्रोजेक्ट पद्धति और आधुनिकता के सिद्धांत से सफलता तक ले जाने वाला उच्च ध्येय और आशानुरूप परिणाम भी। इसलिए दोनों माध्यमों की श्रेणी का 10th SSC बोर्ड का परिणाम 94% तक संभव हुआ है। भव्य शाला और शाला के प्रवेश द्वार पर ही विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती का नयनाभिराम मंदिर, साथ में विशाल प्रार्थना कक्ष, अभ्यास के साथ साथ अनुशासन एवं शिष्ट आचरण की शिक्षा, चाणक्य के सूत्र शिक्षक कभी साधारण नहीं होता को चरितार्थ करते हुए उसकी असाधारण अनुभूति इस विद्यालय में मिलती है। वशिष्ठ, सांदीपनी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और दक्षिणामूर्ति भगवान शंकर जैसी क्षमता उत्पन्न कर सकें, यही अभिलाषा है। कुशल नाविक बनने की इच्छा हमारी, शिक्षण को संजीवनी करने की रीत है हमारी। अगर मिले एक अवसर मुझे तो बालक को स्टार से सुपरस्टार बनाने की है क्षमता। जैसे चांद सितारे नभ की शोभा बन जगमगाते हैं, वैसे छात्र सितारे जमीन पर ज्योत बन जल मिलाते हैं। भूल कर भी नहीं बिसरेंगे जो प्यार यहाँ पाया है, जिगर का टुकड़ा समझा हमें आपने गले लगाया है। यहाँ के विद्यार्थी अध्यापकों द्वारा दिए गए विचार, संस्कार और शिष्टता का महत्व समझते हैं और पूर्ण रूपेण पालन भी करते हैं। विद्यालय के विशाल वर्गखंड, पूर्ण हवादार वर्गखंड, प्रत्येक वर्गखंड में CCTV कैमरे की सुविधा, बाल भवन में छोटे छोटे बच्चों के लिए बाल चित्रवत तथा ज्ञान वर्धक और मनोरंजक चित्रकारी के माध्यम से बच्चों की अभिरुचि पढ़ने में हो सके, इसलिए यहाँ नित्य नूतन साधनों से सुसज्जित बाल नगरी, जहाँ पूर्ण मातृवात्सल्य भाव से अध्यापिका बहनों द्वारा अभ्यास लक्षी और जीवन लक्षी ज्ञान देने की समुचित व्यवस्था। विद्यालय में रमतोत्सव से लेकर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध स्पर्धाएं, राष्ट्रीय त्योहार मनाना, विशाल रैली का आयोजन, बाह्य मूल्यांकन परीक्षाओं का आयोजन भी सुव्यवस्थित और सुयोग्य पद्धति से किया जाता है। विद्यालय द्वारा प्रत्येक माह अभिभावक को छात्रों की प्रगति से अवगत किया जाता है। संचालक और अभिभावकों का सौहार्दपूर्ण व्यवहार उसकी फलश्रुति है। आपसे ही रोशन हमारा ये विद्यालय है, संतान आपकी हमारे लिए
अनोखी धरोहर है। संभालेंगे इस धरोहर को हम अपनी पनाह में, क्योंकि हम पर आपका विश्वास खुद से भी ज्यादा है। हमारी हर एक सांस में विश्वास भरा सिर्फ आपने, तकदीर की तस्वीर बदली आपने, बस आपने। ऐसा हमारा परिवार, ज्ञान ज्योत परिवार। विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक मित्रों के सफल सहयोग से इस विद्यालय की सिद्धि प्रसिद्धि और उसका श्रेष्ठ शिक्षण केवल 5 वर्ष के अल्प समय में सफलता के सभी स्थान तक पहुंच चुके हैं। युग परिवर्तन की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर माइंड वाले बच्चों को सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाने का एक साहसपूर्ण प्रयोग कर रहा है। ऐसे ज्ञान ज्योत विद्यालय के लिए शिक्षणविद और तत्वज्ञ के मुंह से निकलते हुए शब्द शाला की सर्वतोभद्रता को साबित कर रहे हैं। कदम से कदम मिलाकर जो चले, युग परिवर्तन की डोर जो संभाले, परिश्रम परिष्कार और परिवेश में जो परीक्षित परिस्थितियों का निर्माण करे, वैसी गोड़ादरा में एकमात्र संस्था ज्ञान ज्योत की पताका लहराएंगे। विविधता में एकता के लिए परम श्रेष्ठ स्थान यानी ज्ञान ज्योत विद्यालय। इस विद्यालय में विविध 22 राज्यों के बच्चे जात पात धर्म के भेदभाव भूलकर आत्मीयता के भाव से विद्याध्ययन कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जीवन के किसी मोड़ पर नहीं विचलित होंगे हम, जो पथ बनाया आपने उस पर सदा चलेंगे हम। राह में कहीं रुकना नहीं, किसी के आगे हमें झुकना नहीं। ऐसी सुयोग्य शाला जो मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर सर्वोत्तम सुविधाएं देने का पूरा प्रयास कर रही है। विशाल भवन में सुबह पाली में हिंदी माध्यम और दोपहर पाली में गुजराती माध्यम की पढ़ाई क्रमानुसार सफलतापूर्वक संचालित की जाती है। प्राथमिक विभाग, माध्यमिक विभाग तथा उच्चतर माध्यमिक विभाग के लिए भी अभ्यास के अनुसार समस्त सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें वातानुकूलित कंप्यूटर प्रयोगशाला, आधुनिक तकनीक वाला प्रोजेक्टर खंड, बालकों के वाचन के लिए पुस्तकालय, विज्ञान विभाग और भावी वैज्ञानिकों की स्वप्न नगरी, सभी प्रकार की उच्च सुविधाओं से सुसज्जित विज्ञान की प्रयोगशाला, अभ्यास में कमजोर बच्चों के लिए शाला समय के बाद एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त वर्ग की निशुल्क व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अनुमोदित वांचे गुजरात और भणे गुजरात की सफलता और प्रशंसनीय व्यवस्था। देकर स्नेह की थपकी हमें सभी गुर सिखाया आपने, तकदीर की तस्वीर बदली आपने, बस आपने। ऐसा हमारा परिवार, ज्ञान ज्योत परिवार। कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की अवधि से पूर्व रात्रि वाचन शाला का भी व्यवस्थापूर्ण आयोजन, दूर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल बस की सुविधा, हॉल में विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रश्न पेटी की व्यवस्था, समाज सेवा को ही केंद्र मानकर ज्ञान ज्योत समयानुसार पतंजलि योग शिविर का विशाल आयोजन भी करती है। इस शिविर में असंख्य लाभार्थी आकर निरोगी जीवन की प्रेरणा लेते हैं। इस संस्था के सेवाभावी संचालक कहते हैं, ना तू चांद बन ना भगवान बन, बस सुयोग्य शिक्षण से एक अच्छा इंसान बन। इस अपूर्णता को पूर्णता का श्रेष्ठ स्थान दिलाने हेतु
हम सब साथ मिलजुल कर अपने लक्ष्य अंतिम मंजिल तक पहुंचने का संकल्प उपनिषद के मंत्र अनुसार चरितार्थ करें। इस संस्था के ज्ञान ज्योत विद्यालय के जो कुशल शिल्पी हैं, ऐसे महानुभावों से हम संपर्क करें और उनके विचार जानें। संचालक श्री का कहना है, नमस्कार वाली मित्रों, महर्षि आस्तिक ऋषि की भूमि एवा वडोदरा विस्तार में अने जे विस्तार आज मिडल रिंग रोड ना नामे ओळखाय छे एवा वडोदरा नहर रोड पर आज थी 5 वर्ष पहला जून 2006 में ज्ञानज्योत विद्यालय की स्थापना थी। बाल भवन की शुरुआत करी अने आज आ संस्था धोरण 12 साइंस तेमज कॉमर्स सुधी अत्यारे अभ्यास आपी रही छे। अने आज शाला में हाल में 3000 थी वधारे विद्यार्थी अभ्यास कर गया छे, ते खूबज आनंद अने गौरवनी बात छे। अने आ नानकड़ा छोड़माथी जे संस्था वटवृक्ष बनी छे तेमां मुख्य फाळो शाळाना बाळकोनो छे, शिक्षकोनो छे, વાલીઓનો છે અને જેમના કોઠાસૂસથી આ સમગ્ર સંચાલન થઈ રહ્યું છે તે સંચાલક શ્રીઓનો છે। સંસ્કૃતમાં કહેવત છે, ઉત્સવ પ્રિયઃ મનુષ્યઃ। ભારતીય સંસ્કૃતિ ખૂબ જ ઉત્સવ પ્રિય છે અને આ ઉત્સવોની ઉજવણી શાળા હરખભેર કરે છે। રાષ્ટ્રીય તહેવારો, ધાર્મિક તહેવારો, वार्षिक उत्सवों, प्रदर्शनों, अलग अलग प्रकार की स्पर्धाओं थी मांडीने तमाम सभ्यासक प्रवृत्तिओ संस्था करे छे अने आमा दरेक विद्यार्थीओ उत्साहभेर भाग ले छे। 21मी सदी एटले नॉलेज नी सदी, ज्ञान नी सदी, अवनवु जाणवानी सदी अने आ 21मी सदी मां अत्यारे जे विद्यार्थीओ अभ्यास करी रह्या छे त्यारे तेमने सामान्य ज्ञाननु खूब ज महत्व छे, तो शाला द्वारा सामान्य ज्ञान पण आपवामां आवे छे અને સામાન્ય જ્ઞાનનું શિક્ષણ પણ આપવામાં આવે છે અને આ માટે આપણી સંસ્થા જૂન 2011થી એક નવી જ પદ્ધતિ, નવી જ ટેકનોલોજીથી શિક્ષણ આપવાનું પ્રયાસ કરી રહી છે અને તે છે પ્રોજેક્ટ દ્વારા શિક્ષણ, કે જેનાથી વિદ્યાર્થીઓને દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય બંનેથી જોવું અને સાંભળવું તેનાથી શિક્ષણમાં ખૂબ જ ફાયદો થશે। અને વાલી મિત્રો, છેલ્લે એક વાત જણાવી દઉં કે 2010-11 વર્ષ એટલે સ્વર્ણિમ ઉજવણીનું વર્ષ, ગુજરાતની સ્થાપનાને 50 વર્ષ પૂરા થાય છે ત્યારે આપણી શાળાએ પણ સ્વર્ણિમ વર્ષની ઉજવણી કરી છે। અનેક સ્પર્ધાઓ, અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં બાળકોએ ખૂબ જ ઉત્સાહથી ભાગ લીધો છે અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીની જે ઈચ્છા છે કે સ્વર્ણિમ વર્ષમાં દરેક વ્યક્તિ કંઈક ને કંઈક સંકલ્પ લે, કોઈ વ્યક્તિ વીજળી બચાવવાનો સંકલ્પ લે, કોઈ વ્યક્તિ પાણી બચાવવાનો સંકલ્પ લે, કોઈ વ્યક્તિ ગરીબ વિદ્યાર્થી જે ભણી ન શકતા હોય, અભ્યાસ ન કરી શકતા હોય તો તેવા બાળકોને ભણાવવાનો સંકલ્પ લે, ત્યારે આ મારી દરેક વાલીશ્રીઓને વિનંતી છે કે આપણી શાળાના તમામ વાલીશ્રીઓ પોતાના બાળક માટે પણ સંકલ્પ લે અને એવો સંકલ્પ કે રાત દિવસના 24 કલાકમાંથી 1 કલાક પોતાના સંતાનને આપે અને દરરોજ માટે 1 કલાક પોતાના સંતાનને આપે તેવો સંકલ્પ લે અને એ સંકલ્પ પ્રમાણે ચાલે એવી વિનંતી સાથે વીર મુસુ, જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય। આચાર્ય શ્રી કા કહેના હૈ, નમસ્કાર। જ્ઞાનજ્યોત હિન્દી વિદ્યાલય મહર્ષિ આસ્તિક કે ધરતી પર સ્થાપિત પિછલે 5 વર્ષો સે લગાતાર શિક્ષણ કા કાર્ય સ્થાપિત કર રહા હૈ। હમારી સંસ્થા દ્વારા બચ્ચો કી પ્રગત કે લિયે નઈ નઈ ટેકનોલોજી કા પ્રયોગ કિયા જા રહા હૈ, જિસમે હમ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, ખેલકૂદ, સ્પર્ધા, પ્રતિયોગિતા, ડિબેટ્સ ઇત્યાદિ પ્રતિયોગિતાએં કરવાતે હૈ, જિસસે બચ્ચો કી छुपी हुई हर प्रतिभाएं बाहर सामने आए। विद्यालय के द्वारा हमें बच्चों के विकास के लिए यहाँ पे रात्रिशाला का भी आयोजन किया गया, हम लोग एक्स्ट्रा क्लास का भी आयोजन करते हैं जिससे जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों हैं उनको आसानी से शिक्षा उपलब्ध हो सके। विद्यालय में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को उच्च कक्षा में अच्छे परसेंटेज में लाने के लिए विद्यालय परिवार द्वारा फुल डे का भी आयोजन किया गया है, जिससे बच्चों को अभ्यास में सुविधा प्रदान हो, बच्चों को अच्छे एजुकेशन प्राप्त हो और बच्चे उच्च शिक्षा को ग्रहण करें। इसके लिए ज्ञानज्योत विद्यालय द्वारा अनुभवी शिक्षकों द्वारा जो हमारी बड़ी परीक्षाएं होती हैं जैसे कि AI EEE, IIT, इंजीनियरिंग,
IAS, PCS, MBA, MCA इत्यादि प्रकार की कक्षाओं का पूर्व ज्ञान बच्चों को दिलाया जाता है। हमारे विद्यालय में हर तरह के बच्चों, जैसे गरीब घर के जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है, माता पिता नहीं, उनके द्वारा विद्यालय परिवार फीस को भी माफ करने की सुविधा रखता है। इस तरह हम विद्यालय के कार्य का संचालन करते हैं। हमारे संचालक मंडल द्वारा हर निर्णय को लिया जाता है जिससे कार्य अग्रसर होता है। जय हिंद, जय भारत। आचार्य श्री का कहना है, नमस्कार वाले मित्रों, विद्या धनम सर्वधनम प्रधान्यम। शिक्षण એ મનુષ્ય માટે એક અનમોલ આભૂષણ છે, જે દુનિયાની અંદર દરેક વસ્તુ વાપરવાથી ઘટે છે, જ્યારે શિક્ષણ એક એવી વસ્તુ છે કે જેને વાપરવાથી સતત વધતી રહે છે। તો વાલી મિત્રો, આજે બધા જ મનુષ્યએ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, શિક્ષણ વિદ્ધ બનવું જોઈએ। આ માટે આવો એક શુભ સંકલ્પ अपनी शाला द्वारा लई आवो संकल्प लेता पहला कई रीते सिद्ध थाय आ माटे वाली मित्रों, विद्यार्थियों, शिक्षक अने शाला द्वारा आ चतुर्थ संगम थाय तो ज आ ध्येय सिद्ध थाय। आना माटे विद्यार्थी पोतानो ध्येय नक्की करवो पड़े छे, वाली मित्रों सहयोग करवो पड़े छे, शालाए शिक्षण ने अनुरूप वातावरण पूरु पाड़वू पड़े छे, शिक्षकों अने संचालकोए बाळकोमां रहेली सुषुप्त शक्तिओनो परख करवी।